असली डाकू तो आप जैसे लोग हैं जो इज्जतदार बने बैठे रहते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब आप, गुस्सा थोक दीजिए। अपने शतरंज के खेल का एक मोरा ये भी तो है, अगर अजय सचमुच इससे प्यार करता है तो यहाँ जरूर आएगा, और दुश्मन जब दरवाजे पर आ जाए ठाकुर साहब तो उसे मारना आसान हो जाता है। तो ठीक कहता है। आज के बाद तेरे कदम इस हवेली की दहलीज से बाहर नहीं निकलेंगे, चल। तुमने शंकर, दोस्ती की हमसे और साथ दिया कानून का। ए, दोस्ती के मायने मुझे मत सिखा, दोस्ती के मायने मुझे कोई नहीं सिखाएगा। मैं यहां हूं सिर्फ इसलिए कि तेरा मेरा दुश्मन एक है और मुझे तुमसे हमदर्दी है, सिर्फ हमदर्दी। सब समझती हूं तुम्हारा ये ढोंग, तुम्हारी रगों में भी इस कानून का खून दौड़ रहा है। तुम क्या समझते हो कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि जानूंगी नहीं? सब समझती हूं मैं, तुम जानबूझकर हमारे गिरोह में शामिल हुए हो ताकि तुम अपने उस इंस्पेक्टर भाई के हाथों मुझे पकड़वा सको। नहीं, अब तुम भी नहीं बचोगे। शंकर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, पुलिस ने इस हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो मेरे भाई। शंकर मेरे भाई, अब भी वक्त है, खुद को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो कानून के सामने रिश्तों की दीवार गिर जाएगी। रिश्तों की दुहाई मुझे मत दे मुन्ना, रिश्तों की दीवार तूने बहुत पहले गिरा दी थी मुझसे। जब तक मैं शंभू को मार नहीं देता मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, सुना तूने? रिश्ता है तो तेरे कानून के साथ, वो भी दुश्मनी का। मेरे भाई, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूं, कानून को अपने हाथ में मत लो। चलो मुकाबला करो। प्रोग्राम क्या है? होली है तो शंभू होली खेलेगा, लेकिन रंग से नहीं, लहू से। कसम बोलोगी? तू यहां क्यों आई? तुझे शंभू से डर नहीं लगता? मैं क्यों उससे डरूं? वो थोड़ी ना मेरा मर्द है, और फिर एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही था। लेकिन तुम्हें कैसा पता चला कि बिजली आई है? तेरी पायल की झनकार से। शंकर, तेरी पायल की आवाज अच्छी तरह पहचानता है बिजली। अच्छा,
आज होली है ना? हाँ। मेरा गांव जाकर होली खेलने का बहुत दिल कर रहा है बिजली। नाना ऐसा गजब मत करना, गांव जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जिसने सर पे कफन बांध लिया हो वो मौत से नहीं डरता। ऐसी बात है तो फिर हो जाए। हो जाए।
हमदा क्या रे? अरे हम तो उसी दिन समझ ले रहे कि तू ही संगरवा को मंदिर लाई थी, लेकिन हम तुझे छोड़ दिए। काहे? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तू अपने हाथों मरे। अपने हाथों मरती तो हमारे दिल की आग कैसे ठंडी होती है? अरे शंकर, तू सोचा था कि तितलिया के सहारे शंभू को खत्म करेगा है? बहुत बड़ी गलती की है तूने, बहुत बड़ी गलती।